कुछ स्कूल के भाभी यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हैं, इनसे पूछेंगे ये क्या बनना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? जीशा। तो क्या बड़े होकर क्या बनना है? आर्मी। आर्मी में जाना है, देश के लिए काम करना है? हाँ। अच्छा, तो देखिए बोल रहे देश के लिए काम करना है। आपका नाम क्या है? सिया। तो आप क्या बड़े होकर क्या बनना है? आदमी। अच्छा, आर्मी में इनने भी जाना है। आपका क्या नाम है? नेहा। तो क्या बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी। अच्छा, आर्मी में जाना है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अवनी राजपूत। क्या बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाना है। अच्छा, तो सभी आर्मी में जाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है। तो बड़े होकर क्या बनोगे? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाओगे। अच्छा अच्छा, आप बताए आपका नाम क्या है? मनीषा, मैं भी आर्मी में जाऊंगी। आप भी आर्मी में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्र राजपूत, मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, डॉक्टर बनोगे, शाबाश। ये भी डॉक्टर बनना चाहते। तो देखिए, ज्यादातर जहाँ पर बच्चों से हमने बात की तो यही बोल रहे हैं कि हमने आर्मी बनना है, देश का नाम रोशन करना है और देश के लिए जो है सर्व करना है। तो नायब सूबेदार की जो यहाँ पर एक बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये आज के दिन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, आपके जो फादर साहब ने जो देश के लिए इतना बड़ा काम किया, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मेरे पापा ने इतना देश के लिए कुछ किया, तो हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ने इतना कुछ किया है, और मतलब दुख भी है कि हमारे साथ नहीं है वो। तो आर्मी जो हर साल जो प्रोग्राम मनाती है, आपको यहाँ पर बुलाती है, सम्मानित करती है, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा लगता है हमें कि हमें बुलाती है और ये दिन सेलिब्रेट, मतलब उनकी याद में ये दिन मनाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आज जो मनाया गया है, आज के दिन भी ये जो आपका फादर का दिन जो है श्रद्धांजलि दी गई, तो कैसा लगा आपको, और आपकी तरफ से क्या मैसेज है आर्मी के लिए और देश की जनता के लिए भी? मेरे तरफ से यही मैसेज है कि जैसे मेरे पापा ने इस देश का नाम रोशन किया, तो जो आगे वाली आने वाली पीढ़ी है वो भी उनको देख के इंस्पिरेशन ले, कि उनसे कुछ सीखे। कि वाइफ मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कैसा फील कर रही हैं ये। एक तरफ से तो देश का नाम रोशन कर दिया है इनके पति ने, दूसरी तरफ से जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो इनका इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मौके पर कहेंगे। मैम, क्या कहेंगी आप? सर, हमें दुख भी है और खुशी भी है, पर उनकी कमी पूरी थोड़ी होती कभी भी। अच्छा। हम मिस करते हैं उनको कि इतना, तो अभी इनको मनाते हैं आर्मी वाले बेचारे, इनको पता होता है सारा, इधर पेंट शेंट सारा कुछ करते हैं यही। हर साल जो है हम देखते हैं कि जब से वो इस दुनिया से चले गए हैं, देश के लिए जान दी है, आर्मी हर साल उनका दिन मनाती है, तो क्या लगता है आपको जो आर्मी जो है आपको बिल्कुल फैमिली की तरह जो है ट्रीट करती है, आपको हर साल उनकी जो है श्रद्धांजलि उनको दी जाती है, तो आपको वो भरोसा दिलाते हैं कि हम जो है इंडियन आर्मी जो है आपके साथ खड़ी है, तो क्या कहेंगे आर्मी के लिए आप? आर्मी हमारे साथ खड़ी, हमें आर्मी का भरोसा है, हमारे आर्मी है, हमें इनका भरोसा, पूछते भी आते, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या है, कुछ पूछते रहते क्या है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं कोई। उनकी बड़ी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है त्रिंदाल जी की, उनसे जानेंगे कि ये क्या कहने, क्या कहना चाहेंगी आपके फादर के लिए आज श्रद्धांजलि दी गई, हर साल जो है इनके लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि हर साल उनको याद किया जाता है इस दिन पे, आर्मी हर साल ये मतलब प्रोग्राम रखती है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है, हमें बुलाते हैं यहाँ पे, अच्छा खुशी होती है, गर्व होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा पूरे देश के लिए? यही मैसेज है कि मतलब जैसे पापा ने अपने एरिया का नाम रोशन किया है, वही आज के यूथ के लिए कि वो भी आगे बढ़े इंडियन आर्मी में या फिर किसी और फील्ड में जाके और अपने देश का नाम रोशन करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो पार्क है, बाड़ा का ये गांव है जहाँ पर ये पार्क है, और सोठा पंचायत है, और ये इस पंचायत की सरपंच किरणा देवी जी मेरे साथ मौजूद है, ये क्या कहना चाहती हैं आज के दिन, आज के इस अवसर पर इनसे जानते हैं। मैम, क्या कहेंगी आज के दिन आप? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी आपका कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस छोटे से गाँव को आपने हाईलाइट किया। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो पार्क है ये शहीद चुनीलाल भैया जी के नाम का आर्मी की तरफ से बनाया गया है, तो उन्होंने बहुत ही नाम जो है वो कमाया है पूरी, मतलब जनरल सर यहाँ पे आए थे, उन्होंने खुद अनाउंसमेंट की थी कि इनके जैसा पूरी डिफेंस फोर्स में कोई नहीं है, जैसा इन्होंने मतलब इतना शूरवीरता का काम किया है वैसा अभी तक मतलब और कोई इनके अभी सामने नहीं आया है। लेकिन चलो, दुख भी होता है कि जैसे वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है, फैमिली उनकी उनको मिस करती है, लेकिन जब जब हर जगह उनको इतनी इज्जत दी जाती है ना, तो मतलब हमें भी बहुत गर्व होता है कि देखो कैसे मतलब एक छोटा सा इंसान जो होता है इतने मतलब इतना रिस्पेक्ट मिल रही है उनको, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो हर बार आर्मी जो है कभी भूलती नहीं है, हर बार जब उनका ये दिन होता है अच्छी तरह से मनाते हैं वो, पूरे गांव वाले इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबको बहुत अच्छी तरह से इज्जत दी जाती है। यहाँ एनसीसी के कैडेट्स भी यहाँ पर आए हैं भद्रवाह से, इनसे पूछेंगे कि आज के दिन के बारे में इनको क्या नॉलेज है और क्या ये कहना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? जय हिंद सर, मेरा नाम सुधीर शर्मा है और मैं सेकंड जैन के इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी भद्रवाह का एक कैडेट हूँ। सर यहाँ हम आज यहाँ पर नायब सूबेदार चुन्नी लाल जी, अशोका चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल से जो सम्मानित हैं उनके यहाँ पर शहीदी दिवस के मौके पर हम आए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें देखी, जैसे कि हमें जैसे कि कुछ पता नहीं था पहले कि हमें सलामी शस्त्र भी दी जाती, जो कि हमने यहाँ पर आके पहली बार ऐसा देखा जी। तो ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कराती है आर्मी हर साल, जब से इन्होंने अपने जानों की जान की आहुति दी तब से आर्मी हर साल ये कराती है, तो क्या कहना चाहेंगे आर्मी के बारे में, क्योंकि आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्मी के साथ जो है लिंक्ड है, क्या कहेंगे आप? सर यही कहना चाहते हैं, हम जब इनको देखते हैं तो पहले हम सबसे पहले मोटिवेटेड रहते हैं, ये जैसे कि इन्होंने अपना पुराना सेक्रीफाइस किया है इतना, हम उनको देख के आगे हमारा जो आगे का यंग यूथ है वो इसको देख के आगे हमेशा हमारा सेक्रीफाइस के लिए तत्पर रहे, आगे कोई अगर जैसे कि कोई भी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी हमारी, तो हमेशा तैयार रहेंगे। जो सर आए हुए हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एनसीसी जो है जिस तरह आर्मी हर जगह पहुंचती है एनसीसी के कैडेट्स भी जो है हर जगह पर पहुंचते हैं, तो सर से जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे आज के इस दिन पर और अपने एनसीसी कैडेट्स के लिए सर क्या कहेंगे? जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट रंजीत सिंह, ANO हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ भद्रवाह, 2J&K इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी भद्रवाह की तरफ से यहाँ अपने 10 NCC कैडेट्स के साथ यहाँ पर जो हमारे नायब सूबेदार शहीद चुन्नी लाल जी हैं वो काफ़ी उनका जो सेक्रीफाइस है वो यहाँ के सब लोगों को पता है, तो यहाँ पर जो ये 4RR की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पर स्कूल के बच्चे आए प्लस हमारे NCC कैडेट्स जो आए हुए हैं, तो NCC कैडेट्स के बारे में सबको जानकारी है कि दिस इज़ नोन एज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, तो किसी भी वक्त जब भी आर्मी वाले कोई इमरजेंसी होती है ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे कैडेट्स जो हैं वो अपनी तरफ से चाहे वो सिविल लाइन है या चाहे आर्मी के कभी इंसर्जेंसीज़ की ड्यूरेशन होती है वहाँ पर फूड की सप्लाई है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं, उनमें अपना योगदान करते हैं, तो प्लस हम जानते हैं कि जो हमारे NCC कैडेट्स हैं ये पहले से ही आर्मी के थ्रू ट्रेनिंग ले लेते हैं, ये अच्छी तरह से आर्मी की स्किल्स को जानते हैं और इन्हीं के थ्रू जो बाकी स्कूल के कैडेट्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम हमारे जवान जो सेक्रीफाइस करते हैं हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये जो NCC कैडेट्स हैं यही गांव में एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ा कर चढ़ा कर पहुँचा सकते हैं, ताकि जो सेक्रीफाइस किए जाते हैं हमारे आर्मी जवान के थ्रू तो उनको भूला ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई एक जवान सेक्रीफाइस करता हो और उसको अगर हम भूल जाएं तो ये बड़े दुख की बात होती है, चिंताजनक स्थिति होती है जैसा हमें देखने को भी मिलता है, लेकिन ये बहुत ही अप्रिशिएबल वर्क है जो 4RR की तरफ से यहाँ पर किया गया है और हमारे NCC कैडेट्स भी यहाँ आए, इनको भी 100 चीज़ें सीखने को मिली हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इनमें से भी काफ़ी कैडेट जो है अच्छी पोस्ट पर जाएंगे और देश के लिए अच्छे से अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।